सभी को मंगल मैत्री। आज हम गद खंड के अंतर्गत कृष्णासोक्ति द्वारा रचित मैं नसीरुद्दीन नामक पाठ पढ़ेंगे। इसमें लेखिका ने एक ऐसे व्यक्ति का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है जो विभिन्न प्रकार का एक व्यक्तित्व है। कृष्णासोक्ति ने यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है जो विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व है और खानदानी नानबाई है, अर्थात नानबाई कहते हैं जो रोटियां बनाते हैं, जिसका नाम मियां नसीरुद्दीन है, जो एक अधेड़ उम्र के हैं। एक दिन ऐसा होता है कि कृष्णासोक्ति एक गली से गुजरती है, मटिया महल वाली गली से गुजरती है और वहां पर एक अंधेरी सी दुकान देखती है। और जब वह उस दुकान के पास जाती है तो वहां से एक पट पट की आवाज आती रहती है। तो वह जानने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है उस दुकान के अंदर जाती है। जब वहाँ आटे के ढेर को गूंजते हुए देखती है तो वह सोचती है कि यहाँ पर शायद ये लोग सेवैयाँ बनाते होंगे। लेकिन जानने पर लेखिका को यह पता लगता है कि ये लोग सेवैयाँ नहीं बल्कि रोटियाँ बनाते हैं। यह सब कुछ जानने के लिए वह मियां नसीरुद्दीन के पास जाती है। मियां नसीरुद्दीन उन्हें ग्राहक मानते हैं और उनको अंदर बुला लेते हैं। वह मियां नसीरुद्दीन से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछती है। उनमें पूछती है कि यह जो आपने जो रोटियां बनाते हैं इसका प्रशिक्षण कहाँ से लिया, अर्थात आपने यह काम कहाँ से सीखा। मियां नसीरुद्दीन बताते हैं कि मैंने अपने पुरखों से, अपने बुजुर्गों से यह कार्य सीखा, क्योंकि हमारे जो दादा थे, जो वो राजा महाराजाओं के यहाँ, बादशाहों के यहाँ रोटियाँ बनाया करते थे। इस पर उन्होंने अपनी और अपने बुजुर्गों की तारीफ करनी शुरू की। मियां नसीरुद्दीन ने सोचा कि शायद ये अखबार वाली होंगी। उन्होंने पूछा कि क्या आप पत्रकार हैं, क्योंकि मियां नसीरुद्दीन को अखबार बेचने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों ही निठल्ले लगते थे। इसलिए लेखिका ने कहा नहीं, वह पत्रकार नहीं है। तब उन्होंने अपनी तारीफ शुरू की, अपने बुजुर्गों की तारीफ शुरू की और कहा कि एक बार जब हमारे बुजुर्ग बादशाह के यहाँ रोटियां बनाया करते थे, खाना बनाया करते थे, तो बादशाह को रोज नई नई रोटियां बनाकर, नई नई चीजें बनाकर खिलाया करते थे। एक बार बादशाह ने उन्हें कहा कि कोई ऐसी चीज बनाकर खिलाओ जो न आग से बने न पानी से बने। तब हमारे बुजुर्गों ने उन्हें ऐसी चीज बनाकर खिलाई। तब लेखिका ने उत्सुकता पूर्वक पूछा कि वह बादशाह कौन था। लेखिका को यह उत्तर नहीं मिला कि वह बादशाह कौन था, क्योंकि मियां नसीरुद्दीन को उस बादशाह का नाम याद नहीं था। शायद मियां नसीरुद्दीन ने यह कहानी एक काल्पनिक सुनाई होगी, इसीलिए वह उस बादशाह का नाम नहीं बता पाए। जब कृष्णासोक्ति ने एक बादशाह का नाम लिया तो मियां नसीरुद्दीन ने कहा कि आप इसे ही लिख लीजिए। लेकिन जब कृष्णासोक्ति लेखिका उनसे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछने लगी तो वह खींच गए और वहां से उठकर काम में लग गए। मियां नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर थे। उन्होंने रोटियों के नाम भी गिनवाए, तवे की रोटी, तंदूरी रोटी, बाकर वाली रोटी, अनेक प्रकार की रोटियों के नाम गिनवाए। और लेकिन जब लेखिका उनसे बार बार सवाल पूछ रही थी तो उनके चेहरे पर एक अंधड़ आने जैसे भाव उत्पन्न हुए, अर्थात उनको क्रोध आने के भाव उत्पन्न हुए। तो लेखिका ने सोचा कि यह जो मजमून है, अर्थात यह जो सारी वार्ता है, इसको यहीं पर छोड़ा जाए, नहीं तो पता नहीं मियां नसीरुद्दीन क्रोधित न हो जाए। इस प्रकार मियां नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां